हेलो स्टूडेंट, आई विल टीच लेसन 18 इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट हाउ द अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर एंड बिगेन टू लिव इन केव्स। पहले की कक्षाओं में आपने सीखा है कि किस तरह शुरुआती आदमी ने आग की खोज की और गुफाओं में रहना शुरू किया। लेटस फाइंड आउट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। आइए जाने इसके बाद क्या हुआ। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर द अर्ली मैन वांटेड टू नो हाउ एल्स ही कुड मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। आग की खोज के बाद अर्ली मैन मीन्स क्या होता है, जो पहले के आदमी लोग थे उनको अर्ली मैन कहते हैं। आग की खोज के बाद अर्ली मैन जानना चाहता था कि वह अपने जीवन को कैसे आरामदायक बना सकता है। एज ईयर वेंट बाई ही नोटिस दैट न्यू प्लांट्स ग्रू फ्रॉम सीड्स। जैसे जैसे साल बीतते गए उन्होंने देखा कि नए पौधे बीजों से उगते हैं। ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड। उन्होंने फसलों को उगाना सीखा और जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, सुअर और बकरियों को पालतू बनाया। डोमेस्टिकेट मतलब क्या होता है, जो पालतू जानवर होते हैं उन लोग को पालतू बनाया। ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ही डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, काऊ, बफेलो, सीप, पीक्स एंड गोट्स। उन्होंने क्या सीखा, खेती करना सीखा और पालतू जानवरों को पालना सीखा। मतलब डोमेस्टिक जानवर कौन कौन से होते हैं, कुत्ता, डॉग, काऊ, बफेलो, सीप, पीक एंड गोट। ही बिकम ए फार्मर एंड स्टेट टू लिव इन ए सेटल लाइफ इन हर्ट्स नियर रिवर। वह एक किसान बन गए और नदियों के पास झुपड़ियों में बसने लगे। इन द बिगनिंग द अर्ली मैन यूज टू कैरी हिज लोड ऑन हिज बैक एंड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस। बट लेटर ऑन द स्टेट यूजिंग एनिमल्स टू कैरी हिज लोड। शुरुआत में आदमी जो होते वो पीठ पर अपने भार ढोते थे और लंबी दूरी तक चलते थे, लेकिन बाद में पशुओं को अपना भार ढोने के लिए क्या किए, प्रयोग करने लगे। द अर्ली मैन नोटिस दैट लॉग्स ऑफ वुड कुड फ्लोट इन द रिवर। अर्ली मैन ने देखा कि लकड़ी की लाग होती है वो नदी में तैर सकती है। ही आल्सो नोटिस दैट हॉलो ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज फ्लोटेड ईजली। उन्होंने अभी देखा कि पेड़ों की खोखली टहनियाँ आसानी से पानी में तैरती है। ही यूज द हॉलो ट्रंक ऑफ ट्रीज ऑफ ट्रेवल इन द रिवर। उन्होंने नदी में यात्रा करने के लिए पेड़ों की खोखली टहनियों पर खोखली लकड़ियों का इस्तेमाल किया। ही कुड सिट ऑन देम एंड ट्रेवल इन द रिवर। वह उन पर बैठ भी सकते थे और नदियों में यात्रा भी कर सकते थे। इट वॉज हीज फर्स्ट बोट, या उनकी पहली नाव थी। ग्रेजुअली ही स्टार्टेड मेकिंग राफ्ट बाई टाइंग ए नंबर ऑफ लॉग्स टूगेदर। धीरे धीरे उसने एक साथ कई लॉग बांधकर राफ्ट बनाना शुरू कर दिया। नाउ ही कुड गो लॉन्ग डिस्टेंस इन द रिवर इजी ऑन दिस राफ्ट। अब वह इन राफ्टों पर आसानी से नदी में लंबी दूरी तय कर सकते थे। फॉर ट्रैवलिंग ऑन द लैंड द अर्ली मैन मेड क्राफ्ट विदाउट व्हील।
जमीन पर यात्रा करने के लिए लकड़ी के लाख का उपयोग कर शुरुआती अर्ली मैन ने पहिए के बिना गाड़ी बनाई थी। जमीन पर यात्रा करने के लिए लकड़ी के लाख का उपयोग करके अर्ली मैन ने बिना पहिए की क्या बनाई थी, गाड़ी बनाई थी। बाई यूजिंग लॉग ऑफ वुड इन द बिगनिंग ही पुल द कार्ट हिमसेल्फ बट लेटर ऑन दिस कार्ट वॉज पुलेड बाई एनिमल। शुरुआत में उन्होंने गाड़ी खुद खींची लेकिन बाद में इस गाड़ी को जानवरों ने खींचना स्टार्ट किया। द कार्ट विदाउट व्हील इज कॉल्ड ए स्लेड। बिना पहिए वाली गाड़ी को क्या कहते हैं, स्लेज कहा जाता है। इट इज सैड दैट वन डे द अर्ली मैन सा राउंड बोल्डर्स रोलिंग डाउन द माउंटेन। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन अर्ली मैन ने कुछ गोल बोल्डर पहाड़ पर लुढ़कते हुए देखा। दिस गेव हिम एन आइडिया। देखा, इससे उन्हें अंदाजा हो गया या उन्हें एक आइडिया लग गया। ही कट राउंड पीस ऑफ ट्री ट्रंक एंड अटैच देम टू हिज कार्ट। दोज हिज कार्ट गोट इट्स व्हील। इससे क्या हुआ, उन्हें अंदाजा हो गया। उसने पेड़ के ट्रंक को गोल टुकड़े काटे और उन्हें अपनी गाड़ी से जोड़ दिया। और इसके बाद क्या हो गया, उनकी गाड़ी को क्या मिल गया, एक पहिया मिल गया। ये देखिए पहिया की क्या है, बाइसिकल का है, टांगा का व्हील है और ये स्कूटर और एरोप्लेन व्हील। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ट्रैवलिंग बिकम फास्टर एंड ईजी। व्हील के आविष्कार के साथ यात्रा तेज और आसान हो गया। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील इज कॉन्सिडरेड वेरी इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड। पहिए का आविष्कार मानव जाति के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पोटर्स व्हील एंड ए रैपिड इवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट। इसने कुम्हार के पहिए का आविष्कार और यात्रा और परिवहन के क्षेत्र में तेजी से विकास किया। बाइसिकल, टांगा, स्कूटर, कार, बस, एरोप्लेन, ऑल व्हीकल्स हैव व्हील टुडे। सभी वाहनों में क्या है, साइकिल, जीप, स्कूटर, कार, बस, हवाई जहाज जैसे सभी वाहनों में आज क्या है, पहिया है। वी आर इंडिपेंड टू द अर्ली मैन फॉर दिस ग्रेट इन्वेंशन। हम इस महान आविष्कार के लिए अर्ली मैन के क्या है, ऋणी है। ओके, ये टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं इस एक्सरसाइज। द कार्ट विदाउट व्हील्स इज कॉल्ड बोट, स्लेज एंड शिप। तो हमारा ऑप्शन बी, बिना पहिए की जो गाड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग मेड ए राफ्ट टू ट्रैवल ऑन वाटर, ऑन लैंड, ऑन आइस। तो हमारा ऑप्शन ए, ऑन वाटर। फिल इन द ब्लैंक्स। अर्ली मैन यूज टू कैरी हिज लोड ऑन हिज शोल्डर, ऑन हिज SHOULDERS, ऑन हिज शोल्डर्स। अर्ली मैन मेड कार्ट विदाउट व्हील्स। थर्ड है, विदाउट व्हील्स द कार्ट इज कॉल्ड ए SLEDGES, लेट्स। अर्ली मैन कट राउंड पीस ऑफ ट्री ट्रंक and attached them to his cart. Tree trunk इसमें फिल करेंगे। उसके बाद है true false। The early man made a boat by early man made a boat by tying logs together. False,
Wheels are used only in road vehicles. False. The first wheels are made of metal. False. Some animals help him in carrying loads. True. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा देंगे. ओके, थैंक यू.